नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशरूब में जो सबसे पसंदीदा गिजा थी वो दूध थी, और जन्नत में भी हमें दूध की नहरें मिलेंगी। तो इससे तो इसकी इफादियत से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। और जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध बहुत सारे होते हैं। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं, ऊंटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। और वो इस तरह फायदेमंद है कि वो कमजोर बच्चे जिन्हें पैदा होते ही अगर माँ का दूध मयसर नहीं आया और खुदा न खासा कोई मिसहैप हो गया, तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। वो जी, और वो इतना हल्का दूध होता है, मीठा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होती। और बच्चे को आप माँ के दूध के निर्मल बदल के तौर पर कुछ दिनों के लिए गधी का दूध भी दे सकते हैं।